हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू लेसन ड्रॉप बाय ड्रॉप लेसन नंबर ट्वेंटी इसके पहले हमने नाइनटीन्थ लेसन किया था आवर फ्रेंड्स एनिमल आज के इस वीडियो में हम इस लेसन को करेंगे और इसके बाद मैं आपके इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी करवाऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानते हैं क्या आपको पता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है किन किन चीज़ों में पानी इस्तेमाल होता है क्या आप बता सकते हो पानी जो बूंद बूंद से पानी बनता है और उनका इस्तेमाल कई सारी घर के काम में या फिर कई सारे आपके जिंदगी के दैनिक जीवन के कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल होता है तो पानी के बिना क्या आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हो कभी नहीं क्योंकि हम ऐसा सपोज ही नहीं कर सकते कि हम पानी के बिना रह सकते हैं तो पानी जो होता है हमारे पूरे लाइफ के सारे प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है अब आप बताओ कि वॉट डू वी यूज़ वाटर फॉर वाटर का इस्तेमाल किस लिए होता है सो फर्स्ट इज ड्रिंकिंग वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग वॉशिंग अप आप जब कुछ भी धोना होता है या तो आपको यूटेंसिल धोना है कपड़े धोने कुछ भी चीज़ें धोने के लिए हमें वॉशिंग के लिए वाटर की ज़रूरत है क्या डांसिंग के लिए भी वाटर की ज़रूरत है नहीं क्या रीडिंग के लिए वाटर की ज़रूरत है नो no. आपको वाटर की ज़रूरत रीडिंग के लिए नहीं है क्या आपको लॉन्ड्री के लिए पानी की जरूरत होती है वाटर की ज़रूरत है यस yes. पानी हमें लॉन्ड्री के लिए ज़रूरी है स्विमिंग करने के लिए क्या पानी की ज़रूरत होती है यस yes. इसके अलावा बाथिंग क्या बाथिंग के लिए पानी की जरूरत होती है हाँ जी बिना पानी के आप बाथिंग कर ही नहीं पाओगे अब ये बताओ फिशिंग करने के लिए क्या पानी की जरूरत है यस yes, बिना पानी के आप फिशिंग कहाँ पे करोगे क्या साइकिलिंग के लिए पानी की ज़रूरत है नहीं साइकिलिंग के लिए पानी की जरूरत नहीं है ड्राइविंग के लिए बिल्कुल नहीं सेलिंग यानी कि सेलिंग करने के लिए क्या आपको पानी की जरूरत है हाँ सेलिंग करने के लिए आपको पानी की जरूरत है शावर लेने के लिए क्या चाहिए आपको पानी चाहिए शावरिंग के लिए पानी की जरूरत है अगर आप अपने डॉग को क्लीन करना चाहते हो तो भी आपको पानी की जरूरत है क्या बताओ सिंगिंग करने के लिए पानी की जरूरत है नहीं अब क्या रोइंग करने के लिए भी पानी की जरूरत है यस आप रोइंग कहाँ करोगे तो पानी में करोगे टीथ ब्रशिंग के लिए किसकी ज़रूरत है पानी की ज़रूरत है अब आपको ये बताना है कि ये पानी आता कहाँ से है क्या आपको पता है पानी कहाँ से आता है आपने छाता निकल कर लगा कर कई बार अपने जो है बारिश जब होती है आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि वॉटर फॉल्स एज रेन फ्रॉम द स्काई तो पहला कहाँ से आता है तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हम तक पहुँच जाता है धरती तक उसके बाद क्या होता है अब ये जो पानी होता है ये कहाँ चला जाता है द वॉटर रंस इंटू इंटू स्ट्रीम्स ये स्ट्रीम्स में जाता है कुछ इस तरह से आगे द स्ट्रीम स्ट्रीम वाटर गोज इंटू रिवर्स अब ये स्ट्रीम का जो, का जो पानी होता है वही चला जाता है कहाँ नदियों में जाता है एंड द रिवर वाटर अब ये जो पानी जो होता है ये फिर कहाँ जाता है फाइनली सीज और ओशंस में जाता है द सन अप आप सी वाटर उसके बाद क्या होता है कि वापस से सन की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है और सी वाटर कहाँ चला जाता है तो ये वेपोराइज़ हो जाता है और ये वाटर राइजेज अप इनटू द क्लाउड्स तो ये पानी कहाँ चला जाता है बादलों में परिवर्तित हो जाता है और क्या होता है फिर से ये बारिश बनकर वापस से नीचे आ जाता है धरती पर तो ये हमने समझा अभी वाटर साइकिल को कि पानी किस तरह से धरती पर आता है और वापस आसमान में चला जाता है इसे ही वाटर का साइकिल या फिर पानी का चक्रण कहा जाता है अब हम अपने लेसन की बात करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद से अब इस लेसन में ये कहानी है माधो की माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं माधो के घर में सब परेशान हैं वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई अब उसकी माँ और बहन को पानी लेने के लिए और भी दूर जाना पड़ता है पास वाली बावली सूख गई है हर रोज चार घरे पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं साथ ही साथ छाले भी पड़ जाते हैं अब क्या होता है गांव में खुशी की लहर तब उड़ जाती है जब कभी रेल से पानी आता है तो पानी कहाँ से आता है रेल से आता है और माधो के जो पिताजी है वो ऊँट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या खास तरह से किया जाता है टाका बनाकर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो ये टाका बनाया गया है क्या आप जानते हो टाका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं चलो बताती हूँ आपको आंगनों में क्या किया जाता है गड्ढा बनाकर उसे पक्का कर दिया जाता है और उसको टाका बनाते हैं फिर टाँके को ढक्कन से बंद करके रखते हैं टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे कि छत पर गिरा बारिश का पानी नाली से नीचे टाके में इकट्ठा हो जाए अब छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टाके में ना जा सके ये पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है कभी कभी गांव के एक टाके से माधो को भी पानी लेने देते हैं सोचो कि पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी और माधो के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते होंगे या फिर मादों के घर में पानी भरकर कौन लाता है टाके का पानी ज़्यादातर पीने के ही काम में क्यों आता है अब आप बताओ क्या आपके घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है यदि हाँ तो कैसे क्या पानी को इकट्ठा करने का कोई और तरीका भी हो सकता है अगर आपके आसपास कोई स्थानीय तरीके से आप अपने अगर कोई ऐसा तरीका आपने देखा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना और इन सारे सवालों के जवाब हम करेंगे अपने लास्ट सेशन में आगे चलती हूं। अब माधो के बारे में जानते हैं माधो की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत रहती है सोनल भावनगर शहर में रहती है नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर सोचो कितना बुरा हाल होता होगा सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है आओ पता लगाएं कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी चलो अब एक एक्टिविटी एक आपको करनी है इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है आपको क्या करना है एक चम्मच लेना है आप देखोगे कि कितनी चम्मच में एक कितनी बूंदों से एक चम्मच भरता है और कितने चम्मच से एक कटोरी और एक मग में कितनी कटोरी पानी भरती है या और फिर एक बाल्टी में कितने मग आता है तो देखा आपने कि बूंद बूंद से पानी किस तरह से इकट्ठा किया गया तो अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो सोचो कितना पानी बर्बाद होता रहेगा देखो चित्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है ना अगर बूंद बूंद पानी टपकता रहा तो क्या होगा हमें ऐसा ऐसे नल को ठीक करा देना चाहिए और पानी की बचत करनी चाहिए अब जिस जगह पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी का बचत करने के लिए उसका पानी का रीयूज़ करते हैं और उसके कई तरीके अपनाते हैं और ऐसा वो लोग मजबूरी में करते हैं इस बात को आपको समझना होगा कि जैसे कि जो पानी आप पी रहे हो उस पर सबका हक़ है और पानी को रीयूज़ करना चाहिए अब रीयूज़ पानी को कैसे करते हैं चलो हम समझते हैं पानी को रीयूज़ किस तरह से करते हैं तो अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि अलग अलग रंगों से यहाँ पर आपको दिखाना है कि एक पानी का कई तरह से पुनर इस्तेमाल किया जाता है जैसे ये पानी लाने के काम ला रही है लाने के बाद जिस पानी से नहा रहे हैं फिर उसी पानी को अपने मवेशियों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है चलो यहाँ पर कुछ लाइन खींच कर आपको क्या करना है कि एक काम के बाद आप क्या करोगे जिससे कि पानी का बार बार आप इस्तेमाल हो सके जैसे कि फल और सब्जी धोना जो है उस उस वाले पानी को आप कहाँ डाल सकते हो पौधों में डाल सकते हो तो बाकी तरीके से भी आप कई तरह से पानी का फिर से रीयूज़ कर सकते हो और ऐसे ज़्यादातर लोग मजबूरी में ही ऐसे तरीके अपनाते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है जानते हो पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले और इस्तेमाल किए हुए पानी का आप जब रीयूज़ करते हो क्या आप भी ऐसा रीयूज़ करते हो अगर करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिख बताना और कैसे करते हो ये भी बताना लेसन के बाद अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की तो चलो इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम टैंक्स हु फैच इज वाटर इन माधोज हाउस माधोज फादर वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाई एज दिस वाटर इज कवर्ड इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल इफ यस हाउ So, in my house, we do not collect any rainwater. So, my answer is no. You can write your answer. Can there be any other method of collecting water? Discuss in class. Sonal is, Sonal is determined to take water from the tap whenever she gets a chance. She fills her bucket, even if it is just drop by drop. Let us find out how many drops will fi fill a bowl or a Mug. Do activities as shown in the picture. Write answer in the boxes. So, this is the result of the activity. Three, three drops fill a spoon, 50 spoons fill a bowl, and 10 bowl fill a mug, 20 mug fill a bucket. Have you seen how we got, got so much water drop by drop? Just think if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted? These pictures show you something similar. Can you think of some other ways of saving water? Write your suggestion below. So, here is the answer don't leave tap open number 2 do not take bath in running ta tap number 3 recycle water if possible number 4 check any leakage immediately do not spoil water avoid wastage of water can we use water that has been used for one purpose for something else yes we can use water once used for example water after bathing can be used टू बाथ द एनिमल्स तो ये था हमारा लेसन ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर बूंद बूंद से आई होप आपको अब आप पानी की अहमियत का पता चल चुका होगा सो so, अगर आप पानी को सेव करना चाहते फ्यूचर के लिए तो आपने कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताओ जिससे कि कोई नया सुझाव या फिर कोई भी नया टेक्निक जो आप यूज करना चाहते हो पानी को सेव करने के लिए और अगर आपको कोई डाउट हो इस लेसन में तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ लेसन टिल देन गुड बाय टेक केयर स्टे सेफ थैंक्स फॉर वॉचिंग